Hey everyone, my name is Shailesh and you are watching a technical time. Hey everyone, my name is Shailesh and you are watching a technical time YouTube channel. Guys, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लैपटॉप के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि 25,000 के अंदर में कोई लैपटॉप खरीदें, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो जनरल टास्क होते हैं या फिर आपके ऑफिस के जो टास्क होते हैं उसे आप अपने लैपटॉप से कम्प्लीट करें, इसके लिए आप एक अच्छा लैपटॉप देख रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वह लैपटॉप आपका ऐसा रहे जिनमें आप अपने जो भी ऑफिस के टास्क है या फिर आप लैपटॉप जिस भी पर्पज़ से ले रहे हैं, आपके जो भी जनरल टास्क है और उन्हीं के साथ में आप उस लैपटॉप को यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए भी ले रहे हैं, जैसे कि मूवी देखना या फिर सॉन्ग सुनना या फिर आप किसी कोई अगर गेम खेलते तो गेम खेलने के लिए अच्छा लैपटॉप रहे। तो ऐसे दोस्तों, आप देखोगे कि आपका जो लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे कि लैपटॉप का डिस्प्ले और प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड्स और रैम, यह सब चीज़ें कितनी है। तो इन सबको मैंने सोचते हुए आपके लिए ऐसे लैपटॉप को मैंने निकाला है जिनमें से आप एक लैपटॉप को चूज़ कर सकते हैं खरीदने के लिए। दोस्तों, यह जो लैपटॉप है यह आपके मनी को वैल्यूएबल रहेगा। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह 5 लैपटॉप कौन से हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेनोवो के आइडियापैड 330 के बारे में। तो लेनोवो का आइडियापैड 330 जो है वह एक यूज़फुल लैपटॉप है। यह दिखने में भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है वह कोर i3 प्रोसेसर है। यह 7 जनरेशन का लैपटॉप है। अगर आप इसके कॉन्फिग्रेशन देखो तो आपको 4GB रैम के साथ में 1TB हार्ड डिस्क मिल जाती है। दोस्तों, इसका जो बैटरी बैकअप है वह अच्छा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक 25,000 तक अगर कोई एक अच्छा लैपटॉप ले तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है यह 24,990 रुपये है, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, यह इसको आप मूवी के लिए, म्यूजिक के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जनरल यूज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसमें अगर 2GB या फिर 4GB अगर रैम बढ़ा देते तो इसे यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा। गाइस, तो सेकंड हम बात करते हैं HP के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि HP क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो आप HP ने भी 25,000 के बजट में बहुत से ऐसे लैपटॉप बनाए जिनमें से एक है, मॉडल नंबर 44417U है। अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे HP 15 और पेंटियम गोल्ड अगर आप टाइप करोगे तो आपको यह मॉडल नंबर मिल जाएगा जो कि 44417U है। तो गाइस, यह मॉडल नंबर खास करके अगर आप गेमिंग लैपटॉप देख रहे हैं तो गेमिंग के लिए यह लैपटॉप अच्छा है, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक कार्ड आपको मिलता है 620 का मिलता है। इस लैपटॉप को आप इतने बजट में आप गेमिंग के लिए कोई लैपटॉप अगर चाहते हैं तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह ऐसा है कि आपको डिस्प्ले जो है 15.6 इंच का मिल जाता है, 4GB रैम मिलता है, 1TB हार्ड डिस्क मिल जाती है। और बैटरी की अगर बात की जाए तो इसका जो बैटरी बैकअप है वह भी अच्छा है। अगर आप गेम भी खेलते हैं तो भी आप 5 घंटे तक आराम से गेम खेल सकते हैं, इसका बैटरी बैकअप ऐसा है। हमने बात करें तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो विंडो 10 का है। इसका जो प्रोसेसर है वह इंटेल का पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर है जो कि 2.3 GHz स्पीड से काम करता है। अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, यह एक लाइटवेट लैपटॉप है जिसका वेट सिर्फ 1.7 kg है। दोस्तों, अगर आप इसे गेमिंग के लिए ही नहीं, अगर आप इसे जनरल यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप ऑफिस का वर्क करना चाहते हैं तब भी यह एक यूज़फुल लैपटॉप है। इसका जो प्राइस है यह आपको 22,000 रुपये तक मिल जाता है। तीसरा जो लैपटॉप है वह है आसूस का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई हैवी यूज़र है जो कि लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें अगर कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं या फिर हार्डकोर गेम खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आसूस के पास में एक 25,990 का लैपटॉप है, उसे आप अपने बजट में कंसिडर कर सकते हैं। हालाँकि 990 रुपये जो 25,000 है उसमें ज़्यादा हो रहे हैं, बट यह एक अच्छा लैपटॉप है, इस वजह से मैंने इस लिस्ट में इसको रखा है। तो गाइस, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 4GB रैम के साथ में 1TB हार्ड डिस्क मिल जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वजह से मुझे लगता है कि यह जो लैपटॉप है इसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा लैपटॉप है। अगर आप हेवी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप हेवी अगर सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं या फिर हार्डकोर गेम खेलना चाहते हैं तो इसके लिए यह बेस्ट लैपटॉप है। गाइस, अब सामने बात करते हैं हम डेल के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेल अपने अच्छे अच्छे लैपटॉप बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन और क्वालिटी अच्छी होती है। तो डेल का अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको 25,000 के बजट में डेल का इंस्पिरियन 15 मिल जाता है। हालांकि इसका जो प्रोसेसर है वह APU ड्यूल कोर प्रोसेसर है, बट इसका जो जनरेशन है वो 7 जनरेशन में आपको डेल का यह लैपटॉप मिल जाता है। इसका जो प्राइस है यह 24,919, दैट मीन्स कि 24,990 रुपये है। और दोस्तों, अगर आप इस कॉन्फिग्रेशन को देखेंगे तो आपको डिस्प्ले जो है 15.6 इंच का मिल जाता है जो कि HD रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है और जो 4GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क के साथ में मिलता है।
और इसका जो बैटरी बैकअप है वह काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखोगे तो 5 घंटे तक इसका बैटरी चलता है। और दोस्तों साथ में ही अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो विंडो 10 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही आपको USB पोर्ट भी मिलते हैं, जो कि 3 USB पोर्ट मिलते हैं, एक इथरनेट का मिलता है, एक माइक्रोफोन का मिलता है। और जो जो जनरल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो आपके घर का हो या फिर ऑफिस का हो, इसके लिए एक यूजफुल लैपटॉप चाहिए तो आप इसे एक कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट हम जिस लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं वह है HP का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HP काफ़ी अच्छे लैपटॉप बनाता है, हालांकि इसकी इनकी जो डिज़ाइन होती है वह उतनी खास नहीं होती, बट क्वालिटी जो होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से यह जो मॉडल नंबर है HP का 15Q मॉडल नंबर है, इसका जो प्राइस है 24,990 है। तो आप देखोगे कि इस प्राइस में जो HP आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है वो महंगे लैपटॉप में होता है। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो यह गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक कार्ड्स आपको मिल रहा है वो 2GB का ग्राफिक कार्ड्स मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि HD रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है। और इसमें आप देखोगे कि जो 4GB रैम मिलता है, 1TB का हार्ड डिस्क मिलता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको 10 मिलता है। तो बट दोस्तों प्रोसेसर जो है वह यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो है वो APU ड्यूअल कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, बट जनरेशन जो है वह 7th जनरेशन का है। लेकिन जो दोस्तों जो प्राइस है 24,990, बट इस हिसाब से यह लैपटॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस साथ में इसका जो बैटरी बैकअप है वह भी काफ़ी अच्छा है, 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको दे देता है। और अगर आप USB पोर्ट लगाना चाहते हैं तो USB पोर्ट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जनरली जितने आपको USB पोर्ट आप एक होप करते हैं उतने आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, तो इसके वजह से यह जो लैपटॉप है वह काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अब मैं आपको लास्ट आपको बताऊँगा कि मुझे इन 5ों में से सबसे ज़्यादा कौन सा लैपटॉप अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि लेनोवो का Lenovo का IdeaPad 330 और HP का जो मैंने अभी बताया 15Q, यह मुझे एक अच्छा लैपटॉप लगा सेकंड तौर पर। और अगर आप थर्ड में देखोगे तो Asus का जो कॉन्फ़िगरेशन है वह काफ़ी अच्छा है, और अगर आप हेवी यूज़ करना चाहते तो Asus का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों यह थे बेस्ट 5 लैपटॉप जो कि आपको 25,000 के अंडर में मिल जाते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लेके आते रहते हो, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।